जय हिंद जय भारत। लोग पूछते हैं मोदी का परिवार कहाँ है, तो लीजिए मैं बताता हूँ कि मोदी का परिवार कहाँ है। अरे पूरा देश मोदी परिवारवा हो, पूरा देश मोदी परिवारवा, मोदी जी हमरे सभा के पुतवा, पूरा देश मोदी परिवारवा, मोदी जी हमरे सभा के पुतवा, देशवा के पुतवा हो, देशवा के पुतवा, देशवा के पुतवा हो, देशवा के पुतवा, मोदी जी हमें देशवा के पुतवा, पूरा देश मोदी परिवारवा, मोदी जी हमें देशवा के पुतवा। उज्ज्वल योजना बा देशवा में लागू, देशवा में लागू हो, देशवा में लागू, देशवा में लागू हो। उज्ज्वल योजना बा देशवा में लागू, और अखिया में ला गए नाही धुआवा, अखिया में ला गए नाही धुआवा, मोदी जी हमें देशवा के पुतवा, अखिया में ला गए नाही धुआवा, मोदी जी हमें देशवा के पुतवा। आवास योजना से बेघर लोगवा, बेघर आवास योजना से बेघर लोगवा पाई गईले, पाई गईले सुंदर सुंदर घरवा, मोदी जी हमें देशवा के पुतवा, पाई गईले सुंदर सुंदर घरवा, मोदी जी हमें देशवा के पुतवा। हाँ, सिलसिला अगर शुरू हुआ तो मेरे माता और पिता से, वो भी लोक संगीत के कलाकार थे, गाया बजाया करते थे। बहुत दिनों की बात है, जब मैं छोटा था तो उनका मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा, और मैं पढ़ता भी था, लोक संगीत से मेरा रुझान भी था, गाता बजाता था। फिर मेरा मोहम्मद खलील साहब से 1965 में मुलाकात हो गई, और फिर मैं उनके साथ रहकर लोकगीत का मैंने पूरे भारतवर्ष में स्थापना का कार्य किया कि पूरे भारतवर्ष में लोकगीत स्थापित हो जाए। अरे भैया, मैं बता रहा हूँ कि मेरे हृदय में ये मोदी जी के लिए इतना पवित्र स्थान है, इतना ऊंचा स्थान है कि मैं क्या बताऊँ। और उनके किए भय कामों को देखते हुए, न्यूज़ चैनल को देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और वैसे भी देखते हैं सुनते हैं, तो मोदी जी से अच्छा कोई काम करने वाला आज तक नहीं हुआ। इसीलिए श्रद्धापूर्वक मैंने सोचा इनके लिए तो मैं ज़रूर गाऊंगा अगर मुझे मौका मिल गया। आपने दे दिया कि मैंने गा दिया मोदी जी के विषय में। जंग लगे हुए पीतल को, लोहे को जिस तरह से पॉलिश कर दिया जाए और चमकने लगे, और वो समझ लीजिए उन्होंने चमका दिया, नगर नगर को चमका दिया, पूरे भारत को चमका दिया उन्होंने, और बहुत शिखर पर बैठा दिया उन्होंने मोदी जी ने। इतना परिवर्तन ये तो हमने बचपन से देखा है, जब से शहरों में लाइट नहीं थी, जब सड़क नहीं था, तब से हम देखते, जब से मोदी जी आए तो इतनी प्रगति की हम क्या बताएं आपसे। पूरा शहर चमक गया साहब, गली रोड लाइट हर तरफ से चमक गया। ये इनके थिंकिंग से मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ। ये एकदम नीचे स्तर से शुरू करते हैं, वहाँ देखते हैं,
जिस तरह से बाज ऊपर से अपने दाने को देख लेता है कि सरसों कहाँ पड़ा है, उसी प्रकार से इनकी निगाह है कि गरीब कल्याण, गरीब का कल्याण कैसे हो। लोगों ने तो बीच में आके बड़ा बिचौलिया किया, लूटा देश को, और इन्होंने गौर किया कि हमारा हमारा जो परिवार है ये मेरे देश के सारी जनता मेरा परिवार है, और उसमें से विशेष परिवार हैं जो गरीब हैं, जो दुखिया हैं, जो आदिवासी हैं, उनके ऊपर ये निगाह गई और उनके लिए इन्होंने योजना बनाया, जल योजना बनाया, उज्ज्वल भविष्य की योजना बनाया, उज्ज्वला जो घर घर रसोई में गैस गई है, घर घर नल का पानी गया है, स्वास्थ्य की योजना, आयुष्मान योजना इन्होंने जो बनाया, उससे गरीबों को काफ़ी लाभ हुआ, क्योंकि इतना धन कहाँ उनको उनके पास है कि अपना इलाज कर सकेंगे। उन्होंने बहुत से गरीबों को, रोगियों के लिए ये काम किया आयुष्मान योजना बना के। और दूसरी चीज़ है स्वनिधि योजना, भैया ये ठेला वालों के लिए, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए इन्होंने जो योजना बनाई वो उनके रोजगार में बढ़ोतरी हो, उनके लिए इन्होंने पैसा देना भी बैंक से कि भाई आप लोन ले लीजिए, आप अपना व्यापार बढ़ाइए। इनकी हर तरफ से कि गरीब कैसे ऊपर आवे, गरीब की गरीबी कैसे मिटे, ये बहुत बड़ी इनके अंदर, हृदय के अंदर इनके पीड़ा है, और वो पीड़ा को मिटाने में आज तक लगे हुए हैं। नहीं नहीं साहब, बिल्कुल नहीं सुना मैंने। और इस तरह का प्रधानमंत्री पूरे विश्व में, आपको भारत तो नहीं, पूरे विश्व में पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने इस तरह से अपने देश को आगे बढ़ा, जब जिस तरह से इन्होंने बढ़ाया है, जिस तरह से इन्होंने शीर्ष पे लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और भी शीर्ष पे लाने को, सारी दुनिया चकित है कि वाह रे मोदी, तुम्हारी राह पे हम भी चलना चाहते हैं, तुम्हारी राह पे हम भी चलना चाहते हैं, मगर वो मजबूर हैं वहाँ के राजनीति से, मगर इन्होंने कोई मजबूरी नहीं। और इन सबसे बड़ी पावर, बहुत हृदय में जो पावर है इनके, बहुत बहुत तगड़ी पावर है। किस तरह से हम 370 को हटाने का पावर इनके अंदर है, और 3 तलाक को मिटाने के लिए इनके अंदर पावर है ना, बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए इनका पावर है, भ्रष्ट लोगों को उजागर करने के लिए इनके अंदर पावर है, और सब हो रहा है, और इसीलिए तो चलिए ठीक है, भ्रष्ट लोगों का मुखौटा हटाते हैं ये, तो उनको तो बुरा लगेगा ही, 2-4 बातें बोलेंगे, उनकी फिक्र वो भी नहीं करते, वो सिर्फ देश हित की बात करते हैं, अपनी हित की बात नहीं करते। और लोग अपनी हित की बात करने में लगे रहते हैं, देश हित को चूल्हे के भाड़ में डाल देते हैं, अपने हित में लगे रहते हैं। ऐसा देश हित का के बारे में सोचने वाला मोदी एक व्यक्ति है, और पूरे भारतवर्ष में एक ही व्यक्ति है।